मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सत्र में, जिसका शीर्षक है डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिजिटल इंडिया में शिक्षा। मैंने थोड़ा बहुत गिटपिट सा एक बड़ा सा बैकग्राउंड बनाया है। बैकग्राउंड इसलिए बताने को बनाया है कि जब हम एजुकेशन में गवर्नमेंट के रिसेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो कई बार हमारा फोकस केवल स्वयं प्रभा, शोध गंगा, यहां तक रह जाता है। परंतु यदि आज की स्थितियों में हम देखें तो भारत सरकार के बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो एजुकेशन के डिफरेंट डायमेंशन, स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वर्तमान में परिस्थितियां जन्मी हैं, इन परिस्थितियों में यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इन सभी डिजिटल इनिशिएटिव्स का है। मैं बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात संक्षेप में करूंगा केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, और जो अधिक महत्वपूर्ण है उन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा, उसके बाद हम लोग प्रश्न एक दूसरे से ले सकते। मैं बात शुरुआत करता हूं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से। आईआईटी खड़गपुर इस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है एमएचआरडी के बिहाफ पर, और ये एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट है। इसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च रिपोजिटरी, कलेक्शन ऑफ बुक्स, जर्नल्स, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी एनडीएल का बहुत प्रभावी ढंग से प्रयोग करते नहीं, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि बहुत सारी देश की लाइब्रेरीज इसके साथ कनेक्टेड हैं एनपीटेल की मदद से, और ये वेबसाइट क्लेम करती है कि इनके पास लगभग 4,85,82,080 रिसोर्सेज उपलब्ध है। सो इफ देयर इज अ डिजिटल लाइब्रेरी विच हैज मोर देन 48 मिलियन रिसोर्सेज, व्हाई कांट वी यूज इट इन आर यूनिवर्सिटीज, इन आर इंस्टीट्यूशंस एंड इन आर स्कूल्स। तो ये पहला बहुत बड़ा डिजिटल रिसोर्स है देश का, जो NMEICT प्रोजेक्ट के तहत उपलब्ध है, और यहां पर बुक्स, ऑडियो बुक्स, लेक्चर, वीडियो लेक्चर, प्रेजेंटेशंस, सिमुलेशंस, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है। या यूं कहिए कि जितने भी रिसोर्सेज डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, उन सारे रिसोर्सेज तक अगर किसी एक मंच से पहुंचा जा सकता है तो वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वेरी यूजफुल रिसोर्स विच आई वुड सजेस्ट वी ऑल शुड सी। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला इज अगेन अ प्रोजेक्ट विच वॉज स्टार्टेड अर्लियर अंडर NMEICT प्रोजेक्ट, बट नाउ इट हैज बीन इंटीग्रेटेड इन विद डिफरेंट डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। UGC इसको मैनेज करती है, UGC की एक संस्था इन्फ्लिपनेट है जो अहमदाबाद में है, वो इसका पूरा मैनेजमेंट देखती है। और ईपीजी पाठशाला बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तक, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज, उन तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम है। इसके अंतर्गत 3 एरिया है, टोटल 70 सब्जेक्ट को ये कैटर करती है, जो सोशल साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं। ई अध्ययन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 700 से अधिक ई बुक्स जो ईपीजी पाठशाला कोर्सेज की हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं।
देन यूजीसी मूक को इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, तो यूजीसी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट मूक्स का नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उसकी परमिशन से जितने भी मूक प्रोग्राम चलते हैं उन सबका लिंक क्या है, अवेलेबल है। और ई पाठ्य नाम का एक पर्टिकल ईपीजी पाठशाला का है जिस जो एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, तो अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए आपको बार बार इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ई पाठ्य जो है वो इसका ऑफलाइन एक्सेस का एक वर्टिकल है, सो वी कैन एक्सेस द मटेरियल डायरेक्टली ऑन ईपीजी पाठशाला और वी कैन डाउनलोड ई पाठ्य विद द सॉफ्टवेयर एंड इवन वी कैन यूज द रिसोर्सेज इन ऑफलाइन मोड। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बहुत से लोग ई पाठ्य तक पहुंचते नहीं है, ईपीजी पाठशाला पर ही अटक जाते हैं। नेक्स्ट है शोध गंगा, इससे हम सब परिचित हैं। आज 10,000 से अधिक थीसिस यहां अपलोडेड है। यूजीसी का कहना है कि जैसे ही कोई रिसर्च डॉक्टरल डिग्री किसी स्टूडेंट को अवार्ड होती है, इमीडिएटली उसकी एक कॉपी आफ्टर द अवार्ड विद इन अ मंथ इट शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी विल अपलोड इट, should be provided to InfliBNet and InfliBNet will upload it on Shodh Ganga. Again, this project is being managed by the InfliBNet which has its headquarters in Gandhinagar. आज अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा थीसिस यहां अवेलेबल हैं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में भारत में क्या काम हो चुका है यदि ये देखना है तो उसका सबसे रिलायबल सोर्स About Indian research in Indian universities is InfliBNet. So all the theses and dissertations are available on Shodh Ganga, which is again a very good digital initiative of MHRD. As I told you, it is a reservoir of Indian theses. अब बहुत से लोग Shodh Ganga तक तो जाते हैं लेकिन Shodh Gangotri में डुबकी नहीं लगाते। शोध गंगा की वेबसाइट पर ही आप जाएंगे तो एक और लिंक आपको मिलेगा, शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री इसका एक वर्टिकल है शोध गंगा का, जिसमें जो ऑनगोइंग रिसर्च है, ऑनगोइंग रिसर्च का मतलब कि जब आपका स्टूडेंट अपनी सिनॉप्सिस अप्रूव करा लेता है तो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस अप्रूव्ड प्रपोजल्स उसमें अपलोड किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को यह पता लग सके कि देश में किन विषयों पर शोध चल रहा है। तो हम लोग शोध गंगा तक तो कई बार अपने स्टूडेंट्स को ले जाते हैं बट शोध गंगोत्री तक नहीं ले जाते जहां से शोध ओरिजिनेट हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अगली बार अपने विद्यार्थियों को कहें कि वो शोध गंगोत्री तक भी जरूर जाएं, केवल शोध गंगा में स्नान करके न लौटें। देन देयर इज वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ ई यंत्रा। ई यंत्रा इज अ प्लेटफॉर्म where they are organizing, it is again managed by IITs, they organize a lot of workshops for students, especially in robotics, in other IT sectors. तो ये बहुत अच्छा platform है engineering students के लिए, MHRD का बहुत effective और प्रभावी project है। बहुत सारे IITs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देश में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ई यंत्रा भी एक अच्छा प्रोजेक्ट। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है शोध सिंधु। शोध सिंधु, हम लोग शोध गंगा तक जाते हैं शोध सिंधु तक नहीं जाते, ये सिंधु है। गंगा एक नदी है, ये पूरा महासागर है, सिंधु है। जितने भी हायर एजुकेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पर, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम शोध सिंधु ने किया है। इस समय 10,000 से अधिक दुनिया भर से छपने वाले इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, 31 लाख से अधिक टेक्स्ट बुक्स इसके साथ जुड़े हैं, 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज इस प्लेटफॉर्म पर कंट्रीब्यूट करती हैं, 3,000 से ज्यादा कॉलेजेस इस प्लेटफॉर्म पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे रिसर्चर्स को खासतौर पर जब जर्नल्स की दिक्कत होती है कि उनको ई जर्नल कहां से एक्सेस करें, तो ई जर्नल एक्सेस करने के लिए, कोई अच्छा आर्टिकल एक्सेस करने के लिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है शोध सिंधु, जिसका प्रयोग हम अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं।
तो मेरा मानना है कि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए. देन अगेन इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट विच वॉज बेसिकली जिसकी प्रेरणा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दी. उनकी ये चिंता रहती थी कि जो स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में काम करते हैं या रिसर्च में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है और वो सॉफ्टवेयर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्टूडेंट उनको एक्सेस नहीं कर सकते. तब उनकी उस प्रेरणा से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको बोलते हैं फॉसी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन. ये भी एमएचआरडी का एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से बहुत सारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज कराए को अवेलेबल कराए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं. इसमें बहुत सारे टेक्निकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टूल मेकर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमें यह भी एक्सप्लोर करना चाहिए. मैं केवल थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, बाकी आप लोग जब इसको एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट इनिशिएटिव्स को तब इनके बारे में बेहतर जानेंगे. एक घंटे में मेरा लक्ष्य यह है कि मैं आपको अधिकतम आईसीटी इनिशिएटिव्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी दे सकूं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्किलैब है, पाइथॉन है, ईसिम है, व्हाट्सएप है, ओपन मेडिकल का है, डिफरेंट मल्टीपल options are there. So you just explore fossee.in and you will get a lot of options there. So it is again a very good project of MHRD. Then virtual labs. अभी virtual labs की demand बहुत तेजी से बढ़ गई है क्योंकि lab subjects में students के पास opportunity नहीं है कि वो institution में जाकर अपने experiments कर सके. But in science and engineering, we need experiments. So again, there is a project or there is an initiative of MHRD under National Mission for Education through ICT that is called Virtual Labs. Virtual Lab is also a very good project specifically for the engineering student and other IT students. यहां पर अभी जो सब्जेक्ट कैटर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज, मींस द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दैट. एंड ऑल द आईआईटीज एंड इवन सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक अमृता विश्वविद्यापीठम और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग. सो मेनी इंस्टीट्यूशंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दे हैव डेवलप्ड देयर वर्चुअल लैब्स and these labs are available for our students. तो बहुत सारे students इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं. समस्या ये है कि digital initiatives तो बहुत सारे हैं लेकिन हम शायद सब तक पहुंच नहीं पाते, कई बार हम सबको explore नहीं कर पाते. एक बहुत अच्छा option है spoken tutorial. Spoken tutorial basically open source software के मदद से general students में, normal students में आईसीटी लिटरेसी, बेसिक आईसीटी लिटरेसी डेवलप कैसे हो, उनमें बेसिक आईसीटी स्किल्स कैसे डेवलप हो, इसके लिए ये इनिशिएटिव है. कोई भी स्टूडेंट इसमें एनरोल कर सकता है. इसमें बेसिक आईसीटी स्किल्स, हाउ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू डाउनलोड थिंग्स, हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. तो प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे ह्यूमैनिटीज का है, वो जाकर के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकता है. बहुत सारे से कोर्सेज यहां पर अवेलेबल होते हैं और ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से देश में आईटी लिटरेसी कैसे विकसित हो नई पीढ़ी में, उसको मदद करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पैकेजेस हैं. ऑल दीज आर फ्री एंड अवेलेबल ऑन द स्पोकन ट्यूटोरियल. इट इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरडी, बट वेरी फ्यू ऑफ अस यूज इट और इवन विजिट हियर. Then the recent addition is Project Samarth. जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं और इस लाइव को देख रहे हैं वो समर्थ के बारे में जानते हैं. बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज तक अभी प्रोजेक्ट समर्थ नहीं पहुंचा है. प्रोजेक्ट समर्थ अगेन एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अंडर NMEICT प्रोजेक्ट और विश्वविद्यालय के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम
चाहे वो फीस मैनेजमेंट है, चाहे आपका लीव मैनेजमेंट है, चाहे आपकी सैलरी है, चाहे आपका एडमिशन है, एंट्रेंस है, आपकी वैकेंसीज है, इंटरव्यू मैनेजमेंट है, ऑल दीज मैनेजमेंट आर गोइंग टू वन वेबसाइट दैट इज प्रोजेक्ट समर. सो इट विल बी अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. मेनी यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, इवन इन माई यूनिवर्सिटी वी आर यूजिंग इट. सो हियर दे आर जस्ट अ ग्लिम्स व्हाट द सॉफ्टवेयर कैन डू, व्हाट दिस प्रोजेक्ट कैन डू. तो समर्थ प्रोजेक्ट में आपको स्टूडेंट आपका डेटा आप रख सकते हैं, ग्रेवेंस मैनेजमेंट चलता है, एक आप ग्रेवेंस पोर्टल बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट अपनी ग्रेवेंस डालेंगे और वो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ग्रेवेंस होगी उसके हेड को डायरेक्ट मेल चली जाएगी, वो वहां पर उसी अपने लॉग इन आई डी पासवर्ड से लॉग इन करके स्टूडेंट की ग्रेवेंस का रिप्लाई देगा, तो उसकी रिप्लाई हायर अथॉरिटी और लर्नर दोनों को चली जाएगी. एलुमिनी पोर्टल आप मैनेज कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट, एकेडमिक मैनेजमेंट, एडमिशन, एनरोलमेंट, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर. देन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जैसे फाइल मैनेजमेंट है, फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट है कि एक फाइल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस से मार्क हुई एक ऑफिस को, उस ऑफिस में खो गई फाइल, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के तहत वो ये प्रोजेक्ट अपलोडेड है तो जैसे ही फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस मूव होती है इसमें आ जाता है कि ये फाइल इस डेट को इस ऑफिस में मूव हुई. अगर वो नेक्स्ट ऑफिस नहीं गई तो एनी वन कैन ट्रैक कि वो फाइल किस ऑफिस में अटकी है, कहां अटकी है, कितने दिन से अटकी है. सो फाइल मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग इज पॉसिबल. आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्टेट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. रिक्रूटमेंट पोर्टल मेरी यूनिवर्सिटी तो इफेक्टिवली यूज कर रही है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया. तो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आप रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, इवन उनको अगर घर एलोकेट किए जाते हैं तो उसका मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, मेनी थिंग्स आर पॉसिबल ऑन दिस समर प्रोजेक्ट. And more than 200 universities have already joined it. I think other will join soon. So it is again a very good project, very good support, e-support for administration purpose, not for as an individual, but as a faculty, as a university staff, or as a college staff, we can take, we can do utilization of it. Then there is a Vidwan portal, which is just recently launched few months back. In a big way, earlier it was there already. Vidwan is basically database and national research network. So this database basically manages all the researchers actively doing research across the universities of the country. देश की विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, IITs में जो researchers काम कर रहे हैं, जिनके research projects approved हैं different central bodies में, उन सबका एक database है. So that, मान लीजिए कल को आपको लगता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट में, आप सब्जेक्ट कैटेगरी में जाएंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के लोग ढूंढ सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, एंड इवन यू कैन कोलेबोरेट विद देम. सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड द फेलो रिसर्चर्स अक्रॉस द नेशन हु आर वर्किंग इन सेम एरिया और ऑन सेम टॉपिक और इन सेम डिसिप्लिन, एंड वी कैन इवन कोलेबोरेट विद देम, वी कैन इवन डिस्कस विद देम. So it is a very good opportunity, it is a very good database basically, but many few, very few among us use it, because this database is basically provide you a convenient way to explore the peers, who can be your collaborators, what are the funding agencies which are funding the research in your area, you can identify the peer reviewers for your article. Bahut sare journal mein aap paper bhejte hain तो जनरल आपको कहता है कि ठीक है आपने पेपर तो भेजा है, आप अपने एरिया के कुछ पीयर रिव्यूअर हमें सजेस्ट करिए, आप कि कौन आपके पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, तो आप अच्छे रिव्यूअर सजेस्ट कर सकते हैं इस डेटाबेस पर जाकर. सो इट इज अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और वी ऑल शुड एक्सप्लोर इट. शोध शुद्धि का प्रयोग बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी कर रही है. शोध शुद्धि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बेसिकली हाउ टू यूज द ओरकुंड सॉफ्टवेयर फॉर प्लेजरिज्म डिटेक्शन. क्योंकि शोध शुद्धि प्रोजेक्ट के तहत वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर देश के सारे विश्वविद्यालयों और इंस्टीट्यूशंस को उनके लाइब्रेरी के थ्रू प्रोवाइड किया गया है. तो अगेन इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज यूज करते हैं, खासतौर पर हम अपने डिजर्टेशंस में, थेसिस में अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को, प्रेजेंटेशंस को, रिसर्च पेपर्स को इसके
इसमें हम उनका प्लेजरिज्म चेक करते हैं. इन्फ्लिपनेट ने एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन सारी यूनिवर्सिटीज को आइदर थ्रू देयर रजिस्ट्रार और थ्रू देयर लाइब्रेरियंस दिया हुआ है. इवन इन बिगर यूनिवर्सिटीज इंडिविजुअल फैकल्टी हैज इट्स ओन लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड. लाइक आई एम हैविंग माय ओन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, सो व्हाटएवर आई प्रिपेयर, व्हाटएवर माय स्टूडेंट्स प्रिपेयर और व्हाटएवर यूनिट्स आर कमिंग टू मी फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स, आई लॉग इन फ्रॉम माय ओन अकाउंट एंड आई चेक द प्लेजरिज्म एंड आई सेंड बैक टू द ऑथर्स कि भाई आपके ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट में 50% आया है, 60% आया है, 30% आया है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट, प्लीज चेंज इट एंड ऑल दैट. सो सोच सुते इज अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. और अभी इनका डेटा कह रहा है कि लगभग देश के 1032 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज एंड अदर्स आर द मेंबर. सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 49, देन 36 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, देन फ्यू डीम्ड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज एंड ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मेनी इंस्टीट्यूशंस आर देयर. अभी 81,397 यूजर अवेलेबल है कल सुबह के 9:40 के डेटा के अनुसार जो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं. अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो अपने लाइब्रेरियन के पास जाइए, उनसे लॉगिन आईडी पासवर्ड दीजिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, आप यूज करिए. इट इज अगेन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं प्लेजरिज्म कहां से चेक करें. वो प्राइवेट वेंडर्स के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा मांगता है, इवन टर्नेट इनका भी एक डॉक्यूमेंट का कॉस्ट काफी है. तो अगर एक ऑप्शन फ्रीली अवेलेबल है टू ऑल द कॉलेजेस, ऑल द यूनिवर्सिटीज, we should use it and we should explore it. Then this is a very interesting project, IRINS. मुझे याद है आज से 3 साल पहले जब मैं इंफ्लिपनेट गया था, मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, शायद सुन रहे होंगे, डॉक्टर जे एन बालिया जो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हम लोग किसी काम के सिलसिले में गांधीनगर गए थे एंड वी विजिटेड. उस समय वहां पे जो रिसर्च एसोसिएट्स थे उन्होंने हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि वी आर वर्किंग ऑन सच प्रोजेक्ट. और उसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों से जिक्र भी किया कि एक ऐसा समय आने वाला है, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग मेरी बात को सीरियसली ले नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूं या भारत में इतनी जल्दी ये सब पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने IRINS पोर्टल को विजिट भी किया. इस प्रोजेक्ट की खूबी क्या है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शाम को एक न्यूज आई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 2 प्रोफेसर्स इंडिया के अपने डिसिप्लिन के top 10 प्रोफेसर्स में. हाउ विल वी डिसाइड दैट विच प्रोफेसर इज top 10 प्रोफेसर इन द कंट्री? इट मींस द टाइम हैज कम वेयर योर वर्क विल डिसाइड योर ओन रैंक इन द कंट्री. फॉरगेट अबाउट योर इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग तो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में हो ही रही है, बट दिस IRINS इज गोइंग टू रैंक यू. तो कल को एक स्टूडेंट के पास जब ऑप्शन होगा 10 कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो वो केवल कॉलेज के नाम पर या यूनिवर्सिटी के नाम पर एडमिशन नहीं लेगा, वो ये देखेगा कि अगर मुझे एमए इकोनॉमिक्स में करना है तो एमए इकोनॉमिक्स के top 10 प्रोफेसर किन यूनिवर्सिटीज में है, तो मैं उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन. तो आप देखिएगा रैंकिंग का पूरा इकोसिस्टम चेंज होने वाला है. आपकी क्रेडिबिलिटी, आप कितने इफेक्टिव टीचर हैं, you will be ranked at the national level in your discipline, your department will be ranked, your institution will be ranked. So not only institutional ranking is possible, departmental ranking is possible, your own ranking is possible, because IRINS has enormous capacities. मैंने जब 3 साल पहले इसका डेमो देखा था, मैं mesmerized था कि wow, what is going to be happen in this country. अब पता लगेगा कि किस institution में, केवल इंस्टीट्यूशन के नाम में नहीं, वहां की फैकल्टी में कितनी काबिलियत है, वहां की फैकल्टी कितना, और इसके आधार पर नोबडी कैन क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटीज, बिकॉज इट इज टेकिंग द डेटा फ्रॉम वेरी रिलायबल डेटाबेसेस. हो सकता है किसी छोटी जगह पर रहने वाले किसी एक छोटे से कॉलेज के प्रोफेसर ने, रिसर्चर ने, टीचर ने बहुत अच्छा काम किया हो, उसके बहुत अच्छे पब्लिकेशन हो, उसकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी हो, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आ पाता है क्योंकि वो छोटी जगह है. लेकिन अगर IRINS पोर्टल उसको शो करेगा कि नो ही इज अमंग द top 10 फैकल्टी ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट, तो क्या उसके इंस्टीट्यूशन में पढ़ने स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे? क्या उसके द्वारा अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोर्स ऑफर होता है तो उसको स्टूडेंट्स टेकअप नहीं करेंगे? सो इट इज अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड आई ऑलवेज लाइक दिस IRINS. और मैंने जब इसके विषय में बहुत सारे लोगों से चर्चा की थी जिनके साथ में मिला, मैंने कहा कि देश का इकोसिस्टम बदलने वाला है. इसकी तैयारी लगभग 2017 में शुरू हो गई थी,
और अभी ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन है, आप लोग विजिट करिए IRN INS को और देखिए कि ये क्या कर सकता है। इसकी वेबसाइट क्लेम करती है कि एक तो ये रिसर्चर स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स को अपने मेंटर ढूंढने में बहुत आसानी होगी। मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना है और मुझे उस एरिया में काम करने वाले बहुत अच्छे टीचर को अपना मेंटर बनाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस एरिया का सबसे अच्छा टीचर कौन है या मेरे लिए कौन बेहतर मेंटर हो सकता है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने डिसिप्लिन का अपने एरिया के बेस्ट टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उनका डेटाबेस देख सकता हूं, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकता हूं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूं, उनको अपना मेंटर बना सकता हूं। ये फैकल्टी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अपनी रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन को शोकेस करने में मदद करेगी अपने पीयर्स को, आपके डिसिप्लिन में क्या काम हो रहा है, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये अल्टीमेटली आपके इंस्टीट्यूशंस को, आपके डिपार्टमेंट को, आपको इंडिविजुअल एक रैंकिंग फ्रेमवर्क पर खड़ा करेगी। और अगर इसको हम इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के साथ NIRF के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जो एक दिन होना ही है, मोस्ट प्रॉब्ली हो भी गया होगा, तो NIRF के डेटा में जो हेरफेर की पॉसिबिलिटी अगर है तो वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे डेटाबेस से डेटा लेकर उस डेटा की चेकिंग भी कर सकता है। सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड वेरी फ्यू अमंग अस आर अवेयर अबाउट इट। नाउ आई एम मूविंग टू द टू मोर प्रोमिनेंट और यू कैन से मोर पॉपुलर MHRD इनिशिएटिव्स। इसके बारे में मैं IRNS के बारे में और नहीं बताना चाहता, आप लोग इसको सर्च करिए, डिस्कवरी कर सकते हैं आप, आपके API स्कोर्स इसमें इंटीग्रेट है, विजुलाइजेशन हो सकता है, आपके रिसर्च का कितना इम्पैक्ट है वो सब शो करता है। और ये केवल स्कोपस या ओपन एक्सेस जर्नल से डेटा नहीं लेता, ये मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लेता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च से डेटा लेता है, गूगल स्कॉलर से डेटा लेता है, स्कोपस से डेटा लेता है, रिसर्चर से डेटा लेता है, ORCID से डेटा लेता है, इवन फेसबुक ट्विटर मेंडले से भी डेटा लेता है। सो मेनी पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स वेयर यू शेयर योर रिसर्च आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन दिस प्लेटफॉर्म। लेट अस मूव टू स्वयं। वी ऑल नो दैट स्वयं इज आवर ओन MOOC प्लेटफॉर्म। You just visit on www.swayam.gov.in and now there are more than 3000 courses which are on offer. 500 से अधिक courses में enrollment इस समय open है जो जुलाई में start होने जा रहे हैं। स्वयं जब 2017 में 16 में actually visualize हुआ था, बल्कि और पहले, लेकिन launch हुआ 9 जुलाई 2017 को by the then President Honorable श्री प्रणब मुखर्जी जी। मुझे वो दिन याद है, विज्ञान भवन में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, देश के लगभग 800 कुलपति और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वहां उपस्थित थे, और उस बड़े से समारोह में MHRD के ये दोनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, स्वयं और स्वयं प्रभा। जब मैं दोबारा अवेलेबल होऊंगा आई विल गेट अ मैसेज। क्या आप लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं? जी, आई थिंक नॉट इज रिकनेक्टेड। क्या आप अभी मुझे देख पा रहे थैंक यू सोनू जी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन।
मैं स्वयं पर बात कर रहा था और मैं ये बात कर रहा था कि स्वयं पोर्टल जो है वो देश में ऑनलाइन एजुकेशन का एक बड़ा पोर्टल है और आने वाले समय में ये देश के इकोसिस्टम को बदलने वाला है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी समझ कहती है कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर नए नॉर्म्स बनने वाले हैं, ऑलरेडी जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बहुत जल्द ही वो नॉर्म्स देश के सामने आएंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, अब आप ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कल को आपको कहा जाए कि आप अपने अभी तक जो 20% की लिमिटेशंस थी यूजीसी गाइडलाइंस में, वो इंक्रीज होकर 40% या 60% हो जाए। हो सकता है एक सेमेस्टर में बच्चा 5 पेपर या 5 कोर्स पढ़ रहा है तो उसमें से उसको 2 या 3 कोर्स केवल ऑनलाइन में करने पड़े और 2 या 3 कोर्स ही केवल वो फेस टू फेस में करे। इसकी पूरी संभावना मैं देख रहा हूं जितना मैं ऑनलाइन एजुकेशन को देख पा रहा हूं। तो फ्यूचर स्वयं का है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि हम सब लोग ऑनलाइन टीचर एजुकेटर थे नहीं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में क्या किया जा सकता है हम सबने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा है। हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमारे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी पैरामीटर्स उतने अच्छे ना रहे हों, हो सकता है हम बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट ना दे पाए हों, हो सकता है हम ई टेक्स्ट के फॉर्मेट ठीक ना रख पाए हों, हो सकता है हम में से कुछ लोग डिस्कशन फोरम को सीरियसली ना ले पाए हों। बट समय सिखाता है और ऑनलाइन एजुकेशन में हमने बहुत सीखा है और हम सब इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक टीचर एजुकेशन का सवाल है, मुझे पता है कि टीचर एजुकेशन में भी बड़ा चेंज आने वाला है। आप इंतजार करिए, बहुत ही जल्दी देश में टीचर एजुकेशन, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पर हो या सेकेंडरी लेवल पर हो, बहुत बड़े लेवल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा है। मैं उसकी संभावनाएं देख रहा हूं, मैं उसकी तैयारियां देख रहा हूं, लेकिन अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चीजें प्लानिंग स्टेज पर है। फिर भी आप में से जो लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम से हैं वो जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले यूजीसी ने एक चिट्ठी लिखी थी देश के सभी कुलपतियों को कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के करिकुलम को मैप करके मूक प्लेटफॉर्म स्वयं पर ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कोर्स के करिकुलम के साथ मैप करता है। आप उसकी लिस्ट दीजिए, उसको अप्रूव कराइए और इमीडिएटली सबमिट करिए। आई थिंक उसकी लास्ट डेट भी आने वाली है। सो यूनिवर्सिटीज आर डूइंग द एक्सरसाइज नाउ। Any student can take admission in your university for a program, for example B.Ed, for example M.A. Education, for example M.A. Hindi, but he or she is free to do some courses from any other university on Swayam platform. That's why अभी आप देखिए, अभी courses नहीं, अभी MOOCs पर पूरे पूरे program जा रहे हैं। Like in my university, we have started to offer 10 full-fledged program in online mode. और हमारा जो सबसे बड़ा program अभी online mode पर आ रहा है, that is M.A. Hindi. आज से 10 साल 5 साल पहले हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि एमए हिंदी जैसा कार्यक्रम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन इग्नू उसको ऑफर करने जा रहा है, हमने अनाउंस कर दिया है। बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज का प्रोग्राम हम अनाउंस कर चुके हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम हम अनाउंस कर चुके हैं और टीचर एजुकेशन की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी 2 कोर्सेस फर्स्ट स्टेज में अनाउंस किए हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर ये वीडियो मैं स्किप कर दूं तो ठीक रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी इशू है, बिजली नहीं है। दीज आर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हु आर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट कोर्सेज ऑन स्वयं, जिसमें यूजीसी है, सीईसी है, इग्नू है, आईआईएम बैंगलोर है, एनसीईआरटी है, एआईसीटी है, एनपीटेल है, एनआईटीटीआर चेन्नई है और एनआईएस है। हर एक को अलग अलग एरिया दिए गए हैं और वो अपने अपने एरिया के कोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। स्वयं 4 क्वाड्रेंट अप्रोच फॉलो करता है। जो लोग स्वयं पर कोर्स ऑफर करते हैं उनके लिए नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल डिजिटल इनिशिएटिव्स, आई शुड टॉक अबाउट दिस आल्सो। वी हैव द 1 कंपोनेंट वीडियो, अनदर कंपोनेंट ई टेक्स्ट, विच कैन बी वर्ड पीडीएफ और ऑडियो फाइल, देन देयर आर सेल्फ असेसमेंट थ्रू क्विजेस एंड टेस्ट, एंड देयर इज अ डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। स्वयं 1.0 में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे कोर्सेज जो ऑफर हुए उन्होंने वीडियो और ई टेक्स्ट को तो मैनेज किया, बट सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यूज नहीं कर पाए। बट स्वयं 2.0 में वी आर गोइंग टू यूज इट, लाइक इन माय बीएड प्रोग्राम द कोर्सेज व्हिच आई एम गोइंग टू ऑफर
फॉर ऑल द बीएड स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री. और मेरे बीएड कोर्सेज जो स्वयं पर अवेलेबल है वो केवल मेरे 2500 विद्यार्थियों के लिए नहीं है, देश की किसी भी विश्वविद्यालय का, किसी भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट मेरे कोर्स में एनरोल हो सकता है. उसकी निटी-ग्रिटीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए. चार डॉक्यूमेंट है. एक तो एमएचआरडी के मूक डेवलपमेंट की गाइडलाइंस है, स्वयं पर कैसे कोर्स डेवलप करेंगे उसकी गाइडलाइंस है. एआईसीटी और यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसे होगा. मैं इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं. ये रिसेंट डेटा है. अभी तक स्वयं पर 203 इंस्टीट्यूशंस अपने कोर्सेज ऑफर कर चुके हैं. टोटल 3327 कोर्स अवेलेबल हुए हैं. और आप देखिए कि लगभग 1,52,00,000 विद्यार्थी अब तक स्वयं पर एनरोल करा चुके हैं. तो 2 साल में यदि हम 1,52,00,000 विद्यार्थियों तक पहुंचे तो ये एक बड़े ग्रुप तक हम पहुंच गए. ये दो कोर्सेज जो मैं ऑफर करने जा रहा हूं स्वयं प्लेटफॉर्म पर. पहला कोर्स है लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि कोर कोर्स है. बहुत जगह अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग के नाम से चल रहा है, बट मैंने जो कि एनसीटीई का ही नॉमेनक्लेचर यूज किया है. एनसीटीई बीएड में कोर्स प्रपोज करती है लर्निंग एंड टीचिंग. ये 16 वीक का कोर्स है. अभी इसमें एनरोलमेंट ऑन है और 16 हफ्ते में कोर्स पूरा होगा. 16 वीक्स में कोर्स पूरा होगा. मैं कंटेंट को छोटा छोटा इनमें दूंगा. मैं वीडियो प्रोग्राम्स दूंगा क्योंकि मेरे वीडियो प्रोग्राम्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हैं. मुझे याद है कि इस मंच पर जो लोग आज मेरे साथ हैं, इस मंच के बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर टीचर एजुकेटर ग्रुप के, इन वीडियो प्रोग्राम्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि देश भर के 150 से 200 टीचर्स मेरे साथ स्वयं और स्वयं प्रभा के वीडियो रिकॉर्डिंग में जुड़े रहे हैं पिछले 3 सालों में. और हम लोगों ने 1,000 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं डिफरेंट कोर्सेज के फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. अभी बीएड पर 2 कोर्सेज आई हैव ऑलरेडी डन. सो द सेकंड कोर्स व्हिच आई एम ऑफरिंग इज पेडागॉजी ऑफ साइंस. ये उनके लिए है जो बीएड विद्यार्थी साइंस की पेडागॉजी के स्टूडेंट्स हैं. और ये कोर्सेज केवल हमारे बीएड विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है. अगर कोई इन सर्विस टीचर इनको करना चाहता है, उसको लगता है कोई नई चीजें आई होंगी जिनके बारे में मुझे जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो वो भी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कर सकता है. क्योंकि देखिए स्वयं पर जो कोर्स अवेलेबल है वो एक मिनट जरा सा इलेक्ट्रिसिटी कट है, मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं ज्वाइन करता हूं. लाइव कंटिन्यू रहेगा. आई एम जस्ट स्किपिंग द स्लाइड फॉर 1 मिनट. So now I think it's okay. And you are getting the feed. Okay. So this is the second course, Pedagogy of Science. ये भी मैं बीएड लर्नर्स के लिए basically offer कर रहा हूँ. इग्नू के बीएड लर्नर्स और देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन के बीएड स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए स्वयं पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें स्टूडेंट 3 तरह से बेनिफिट ले सकता है. नंबर 1, फॉर एग्जांपल वो इग्नू का स्टूडेंट है तो वो ना केवल इस कोर्स में एडमिशन लेगा बल्कि इग्नू के डायरमेंट एग्जामिनेशन और जो भी असेसमेंट एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी अदर कॉलेज का स्टूडेंट इन कोर्स में एनरोल होता है तो उसके पास 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है. पहला ऑप्शन यह है कि वो ये कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म से करे. जब इसका एग्जामिनेशन और असेसमेंट हो तो उस एग्जामिनेशन और असेसमेंट में अपीयर हो, इसका सर्टिफिकेट अर्न करे और अपनी यूनिवर्सिटी को ये कहे कि ही और शी हैज डन 1 कोर्स अवेलेबल ऑन स्वयं एंड ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट कोर्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी और दैट कॉलेज एंड हिज और हर क्रेडिट मे बी एक्सेप्टेड. तो वो यूनिवर्सिटी अगर अपने एकेडमिक काउंसिल में मैपिंग करके ले गई है तो उसकी क्रेडिट एक्सेप्ट करेगी. तो स्टूडेंट को फिर उस कोर्स को केवल स्वयं से करने की जरूरत है, अपने वहां करने की जरूरत नहीं है. इसका एक और बड़ा फायदा उन लाखों टीचर्स के लिए है, उन लाखों ट्रेनी टीचर्स के लिए है जिनके यहां हो सकता है कि अच्छी फैकल्टी अवेलेबल ना हो, रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो या टीचिंग लर्निंग ना हो पा रही. तो ऐसे में वो स्वयं पर एनरोल करे क्योंकि स्वयं पर एनरोलमेंट का फी नहीं है. 16 वीक्स तक इस कोर्स को कंप्लीट करें
इसके सारी एक्टिविटीज करे, सारे टीचिंग लर्निंग करे, सारे वीडियो देखे, वो चाहे तो एग्जाम में अपियर हो, चाहे तो अपियर ना हो, लेट हिम टेक द बेनिफिट ऑफ द कंटेंट एंड पेडागॉजी अवेलेबल ऑन स्वयं। वो यहां पढ़ाई करे, अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इट इज फ्री, फॉर सर्टिफिकेशन इट इज फी। तो इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट देन यू नीड टू पे सम फी फॉर द सर्टिफिकेशन, बट इफ यू वांट टू यूज इट फॉर लर्निंग देयर इज नो फी, एंड इट इज सेम फॉर ऑल MOOCs कोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री। सो it is a bigger opportunity for our students. So I will ask to all BA teachers who are watching that please encourage them to enroll in these courses, even not only these two courses. Abhi kuch din pehle I was watching a course on educational technology which is being offered by one of my young colleague from Manipur University, and she has done a wonderful job, and I have seen her intro and the course content. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर भी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स मणिपुर यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी है, आई थिंक डॉक्टर नाजिया, उन्होंने ऑफर किया है, दैट कोर्स आल्सो कैन बी यूज्ड। सो देयर आर मेनी मेनी कोर्सेज अवेलेबल, और ये तो दो कोर्सेज हैं, विद इन वेरी सून यू विल सी द होल प्रोग्राम मे कम ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं में अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो एनरोल कैसे हो, सो आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड अ वीडियो, आई वांट टू शो यू that how you can enroll in Swayam platform. You just see some online courses for trainee teachers, is it true? Hello Maya, yes it is true, we are going to offer many online courses for learners. Are you willing to join some courses? Yes sir, that's why I came to you to ask about the courses. Please also tell me, I think there is some streaming issue due to the data. That's why the video is not being streamed, so I'm not going to play the video complete. But this video is available on my YouTube as well as Facebook link, and I have shared even in group also. So you can share it, this small video with your students to show that how they can enroll in the Swayam course, and any Swayam course. हमारे लिए as a teacher training institutions क्या opportunities हैं Swayam? पहली opportunity है कि हम as an institution स्वयं के लिए कोर्स डेवलप करें। अगर हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम क्वालिटी पैरामीटर्स को मैच कर सकते हैं, वी शुड कम फॉरवर्ड टू डेवलप कोर्सेज फॉर स्वयं प्लेटफॉर्म इन आवर डिसिप्लिन एज ए फैकल्टी मेंबर। इफ वी कैन नॉट डू इट, वी शुड इंटीग्रेट द स्वयं कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म। Okay, there is some issue in the streaming, that's why I checked. I'm back again and I will finish it in the next 15 minutes. तो हम अपनी फैकल्टी को एनकरेज करें कि वो स्वयं कोर्सेज में कॉन्ट्रीब्यूट करें। अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी नहीं है, हम पूरा कोर्स डेवलप नहीं कर सकते, तो जो लोग कोर्स डेवलप कर सकते हैं, जो लोग कोर्स डेवलप कर रहे हैं, हम उनको अप्रोच करें, हम उनमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। हम एक मॉड्यूल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम दो वीडियो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे, वी कैन डेवलप कोर्स, वी कैन इंटीग्रेट द कोर्स अवेलेबल इन आवर करिकुलम, और वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन स्वयं कोर्सेज विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय डिफरेंट फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री। देन वी ऑल नो वी हैव मेनी ऑफ अस हैज डन सम अर्पित कोर्सेज फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वी कैन डू दैट। हम अपने स्टूडेंट्स को एडिशनल कोर्सेज के लिए एनकरेज करें। इग्नू में मैं बहुत सारे कई बार कॉल्स रिसीव करता हूं कि सर हमने बीएड किया था बहुत पहले और हमारे तब पेडागॉजी ऑफ
हिंदी नहीं लिया था, पेडागॉजी ऑफ संस्कृत लिया था, पेडागॉजी ऑफ होम साइंस लिया था, अभी मैं एमए हिंदी में हूं, मैं बीएड हूं, लेकिन मुझे पेडागॉजी ऑफ हिंदी नहीं पढ़ा है, तो अगर पेडागॉजी ऑफ हिंदी का कोर्स में एडिशनल कर लूंगा तो मेरी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। पहले इस तरह की फैसिलिटी एनसीटी ने दे रखी थी, अभी वो फैसिलिटी नहीं है। तो अगर कल को एनसीटी एग्री कर जाती है, क्योंकि एनसीटी पर डिपेंड करता है, अगर कल को एनसीटी एग्री कर जाती है कि कोई भी ऑलरेडी ट्रेंड टीचर जिसने बीएड किया हुआ है वो एक एडिशनल कोर्स स्वयं से करना चाहता है और उसको हम अलाउ कर दें तो कर सकता है, तो एडिशनल कोर्स की अवेलेबिलिटी होगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते हम तो स्वयं पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वीडियो है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे ऑडियो है, एटलीस्ट उसे हम अपने इंस्टीट्यूशन में, अपनी टीचिंग लर्निंग में, अपने कॉलेज में यूज तो कर ही सकते हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज पहुंच जाए। अगला इनिशिएटिव आप सब जानते हैं स्वयं प्रभा है, इट इज अ डीटीएच ग्रुप 33 डीटीएच चैनल्स है। मैं इस बारे में डिटेल में बात करना चाह रहा था लेकिन कल ही मुझे जानकारी मिली कि इस प्रोजेक्ट पर रिकंसिडरेशन चल रहा है, तो अभी चैनल एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूट होनी है, बिकॉज कल शाम को आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक लाइव देखा होगा दैट एमएचआरडी थ्रू एनसीईआरटी हैज साइंड अ एमओयू विद रोटरी इंटरनेशनल, दैट रोटरी इंटरनेशनल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द एजुकेशनल कंटेंट फॉर 12 एजुकेशनल चैनल्स, बिकॉज अंडर ई विद्या प्रोजेक्ट नाउ इन द स्वयंप्रभा पोर्टल देयर विल बी 12 चैनल्स फॉर स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा के लिए 12 चैनल होने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक एक चैनल होगा, कक्षा 1 के लिए एक चैनल, कक्षा 2 के लिए एक चैनल, कक्षा 3 के लिए एक चैनल, और उस चैनल पर उसी कक्षा के विषयों से संबंधित वीडियो प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाएंगे टेलीविजन चैनल्स के थ्रू, और ये सारे टेलीविजन चैनल आपके डीटीएच ऑपरेटर, चाहे वो डीडी डायरेक्ट है, चाहे वो डिश टीवी है, या और ऑपरेटर्स हैं। कल मिनिस्टर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि टाटा स्काई और बाकी सबसे भी बात चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे डीटीएच ऑपरेटर्स के थ्रू ये चैनल उपलब्ध होंगे। तो अब आपके विद्यार्थियों को, खासतौर पर छोटे बच्चों को, होम बेस्ड एजुकेशन की एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो केवल एग्जाम के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में बोर्ड में बैठे हैं, और अगर कंटेंट अवेलेबल है टेलीविजन पर तो उन्हें इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है, दे कैन वॉच इट। सो इसलिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट भी 9 जुलाई 2017 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद स्वयं, और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जुलाई 2016। आई रिमेम्बर द फर्स्ट मीटिंग विद द देन टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी, जो बाद में भारत के उच्च शिक्षा सचिव भी रहे, रणवीर सुब्रमण्यम जी, उन्होंने उस मीटिंग में कहा था 4 जुलाई 2016 को that we are going to donate you an elephant, you have to feed it, और हम सबको एक एक चैनल दे दिया गया। मेरे पास भी एक चैनल तब से है जो टीचर एजुकेशन का चैनल है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस चैनल पर कंट्रीब्यूट किया है, आज डीएलएड और बीएड के 1000 से ज्यादा वीडियो वहां अवेलेबल है 4 लैंग्वेजेस में, हिंदी, अंग्रेजी, असमीज और बंगला, तो उनका यूटिलाइजेशन आप अपने क्लासरूम्स में कर सकते हैं। मैं इसके वीडियो को भी रन नहीं करूंगा। स्वयं प्रभा के 4 पार्टनर्स हैं बेसिकली। पहला पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जिसने हमें ट्रांसपॉन्डर्स दिए हैं सैटेलाइट पर, जो सैटेलाइट मैनेज करता है, उस सैटेलाइट तक अपलिंकिंग का काम बाइसेक करता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि गांधीनगर में है और अभी ही कुछ दिनों पहले ही से नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया गया, इससे पहले स्टेट इंस्टीट्यूशन था। फिर इन्फ्लिमनेट है, जो स्वयं प्रभा के पोर्टल मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट का काम करता है, यूट्यूब वीडियोस कैसे अपलोड होंगे वो सब देखता है। Then the important partners are the content providers like NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOSH. We are providing content to these channels. This is the present distribution. Maybe within 15 days this distribution will change extensively. तो हो सकता है कि बहुत जल्दी बदलाव हो जाए इसमें। आप जिसके पास 10 चैनल देख रहे हैं उसके पास 4 रह जाएं, जिसके पास 4 देख रहे हैं उसके पास एक भी ना रह जाए, किसी के पास एक हो उसके पास 4 से 8 आ जाए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है, एनपीटेल के पास 8 चैनल है, यूजीसी के पास 10 चैनल पर प्लस एक 33वां और चैनल है, आईआईटी पाल प्रोजेक्ट जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट की तैयारी के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के 4 अलग अलग चैनल है जहाँ एनसीईआरटी के करिकुलम पर बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, वो 4 चैनल है, एनसीईआरटी के पास 1 चैनल है, इग्नू के पास 4 चैनल इंडिविजुअली है,
एंड आई उसके पास तीन चैनल इंडिविजुअली हैं, एक चैनल इन्फ्लिपनेट के पास है और एक चैनल जो टीचर एजुकेशन का है उसमें इग्नू और एनआईएस इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स है जो चैनल में अभी तक मैनेज करता। कैसे ये चैनल काम करता है इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं बात ये करूंगा आप इन चैनल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इन चैनल के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप swayamprabha.gov.in की वेबसाइट पर जाएं, वहां चैनल एलोकेशन देखेंगे तो आपको हर डिसिप्लिन और उसके चैनल दिखेंगे। अगर आप स्वयंप्रभा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप में भी आप चैनल की लिस्ट, हर चैनल में कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं और इवन उस प्रोग्राम अगर वो पहले आ चुका है तो उसका यूट्यूब लिंक ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड है तो आप अपने मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये चैनल डीडी फ्री डिश, डिश टीवी और जियो टीवी पर अवेलेबल है, आप यहाँ भी इनको देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल, जैसे आप चैनल 32 टीचर एजुकेशन अगर क्लिक करते हैं तो आप जो है इसके सारे वीडियो प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं आपको ये अभी रिसेंट वीडियो प्रोग्राम है, आप में से बहुत सारे लोग इन चेहरों को पहचानते होंगे कि बीएड के जो कोर्सेज अभी स्वयं पर ऑफर होने जा रहे हैं उसमें इन सारे लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू से भी फैकल्टी है, यहाँ पर अमृतसर से भी फैकल्टी है, इलाहाबाद से भी फैकल्टी है, दिल्ली से भी फैकल्टी है, रोहिलखंड से भी फैकल्टी है, तो अक्रॉस द कंट्री फैकल्टी मेंबर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन स्वयं एंड स्वयंप्रभा। सो यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्यूचर इफ यू आर बिलिंग, इफ यू फील दैट यू आर वेरी गुड वीडियो प्रेजेंटर, यू कैन गिव अ गुड लेक्चर, यू जस्ट कॉन्टेक्ट। क्योंकि अभी तक इस प्रोजेक्ट में 28 स्टेट की 102 यूनिवर्सिटीज के 175 फैकल्टी मेंबर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला तक, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक, देश के हर कोने से टीचर्स आए हैं और इन्होंने इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जो ये समझते हैं कि वो बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनकी हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में, जिनके साथ व्याकरणीय गलतियां नहीं होती, जो कैमरा से डरते नहीं, वो सब लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये डेटा है सब्सक्रिप्शन का, आप देखिए अभी तक लगभग 8,96,000 लोग इस चैनल को देख चुके हैं, 16,800 से ज्यादा स्टूडेंट इस देश में इसके सब्सक्राइबर्स हैं और प्रोग्राम्स की व्यूअरशिप 1,000 से 40,000 तक। ये चैनल फीडबैक मैकेनिज्म भी रखता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। फ्यूचर प्लान ये है कि अब हम बीएड की तरफ फोकस कर रहे हैं, बेसिकली चैनल 32 की अगर बात करूं, बिकॉज एनआईएस थर्ड ईयर प्रोग्राम फिनिश हो गया है, तो वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट ऑल द बीएड लर्नर्स ऑफ द कंट्री थ्रू दिस चैनल, एंड इफ दिस चैनल विल कंटिन्यू, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड टू रिकॉर्ड मोर देन 900 लेक्चर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द कोर्सेज ऑफ बीएड प्रोग्राम। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी कोर्स ऑन स्वयं एंड स्वयंप्रभा, एंड स्वयं एंड स्वयंप्रभा विल बी इंटीग्रेटेड। लाइक अगर तीन कोर्स स्वयंप्रभा पर ऑफर हो रहे हैं तो जिस समय स्वयं जिस तीन कोर्स स्वयं पर ऑफर हो रहे हैं तो जिस समय वो तीन कोर्स स्वयं पर ऑफर होंगे उन्हीं कोर्सेज के वीडियो स्वयं प्रभा पर उन दिनों टेलीकास्ट होंगे, ताकि बच्चा अगर इंटरनेट बैंडविड्थ की वजह से स्वयं के प्लेटफॉर्म पर जाकर वीडियो लेक्चर नहीं देख सकता तो वह उसी लेक्चर को उसी दौरान टेलीविजन पर देख सकता है। 2 घंटे का लाइव इंटरेक्शन है जो अभी चलता रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आदरणीय सोमू जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सका। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि देश में जो आईटी लिटरेसी और डिजिटल इनिशिएटिव्स पर बात हो रही है सारे टीचर्स के साथ उसे शेयर करना चाहिए ताकि ज्यादातर लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, और मुझे इस बात की के लिए मैं तो सोमू जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपीयर होने का मौका दिया। मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व का विषय है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं, अन्यथा यदि प्रश्न नहीं होंगे तो सोमू जी की आज्ञा से मैं इस सत्र को समाप्त कर दूं। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई भी कमेंट क्वेश्चन फॉर्म में तो नहीं लग रहा है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं, बस लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं। अदरवाइज आई विल से थैंक यू टू ईच ऑफ यू फॉर गिविंग मी ए पेशेंट शेयरिंग। एक प्रश्न
प्रीतम यादव जी ने पूछा था एमए एजुकेशन ऑनलाइन को लेकर, इन्होंने अभी जो 10 प्रोग्राम ऑफर किए हैं ऑनलाइन मोड में और 50-55 कोर्सेज हमने ऑफर किए हैं, उन सारे कोर्सेज में एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो जुलाई से ऑफर होंगे ऑनलाइन मोड। तो चाहे वो बीएड के मेरे दो कोर्सेज हैं या बाकी अदर हमारे टूरिज्म के कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, एमए हिंदी का प्रोग्राम है, ये सारी चीजें जुलाई से ऑफर हो रही हैं। तो अगर इनमें कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन एनरोल बाय गोइंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द होल प्रोग्राम यू गो ऑन igrooonline.ac.in एंड यू कैन गेट एनरोलमेंट देयर। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम स्वयं कोर्सेज एंड गो ऑन स्वयं पोर्टल सर्च द कोर्स एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू एनरोल देम। इसका एक फायदा और होगा, भले ही वो सर्टिफिकेशन ले पाए या ना ले पाए, लेकिन आज के दौर ने हमें ये जरूर सिखाया है कि फ्यूचर में हमारे टीचर को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए तैयार होना होगा। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमें जिस भी मोड में टीचिंग लर्निंग में जाना है, पहले हमें उस मोड में लर्नर होना चाहिए। मैंने पिछले 2 साल में लगभग 10 या 12 मूक कोर्सेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर किए, चाहे वो स्वयं है, चाहे वो कोर्सेरा है, चाहे वो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के कोर्सेज है, अदर प्लेटफॉर्म है, या मैंने उनको एज ए लर्नर देखा है, मैंने फ्यूचर लर्न के कोर्सेज देखे हैं, मैंने ईडीएस के कोर्सेज देखे हैं, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का इकोसिस्टम कैसे चलता है। तो अगर हमें फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेटर बनना है, तभी हमें पहले ऑनलाइन लर्नर बनना चाहिए, हमें कुछ कोर्सेज ऑनलाइन सिस्टम पर करने चाहिए। और हमारे बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है कि यदि वो अभी ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सपीरियंस लेंगे तो वही इसकी अच्छाइयां और इसकी कमियां दोनों जान पाएंगे, ताकि जब वो अपना कोर्स ऑफर करेंगे तो वो कमियों को छोड़कर अच्छाइयों पर ध्यान देकर एक बेहतर कोर्स ऑफर कर पाएंगे। क्रेडिट ट्रांसफर, पूनम जोशी जी का प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन द क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम। पूनम जोशी जी, यूजीसी का सर्कुलर है, मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था, वो ये कहता है कि हर एक यूनिवर्सिटी को, अभी रिसेंटली दोबारा से यूजीसी ने एक लेटर लिखा है फर्दर कंटेंट मैपिंग, पहला काम किसी भी यूनिवर्सिटी को ये करना है कि उसके यहाँ जो कोर्सेज या प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और स्वयं पर जो कोर्सेज या प्रोग्राम ऑफर है, उनकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन से ऐसे स्वयं के कोर्सेज या प्रोग्राम हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज या प्रोग्राम से मैच होते हैं। सपोज बीएड के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं स्वयं पर और आपके यहाँ बीएड चलता है, तो आप बीएड के कोर्सेज लेंगे, और जैसे हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि यू मैप, ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी ने अपने बीएड फैकल्टी को लिखा होगा यू मैप, तो उसके ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न था, दूसरा प्रश्न ये था कि इज देयर एनी चैनल फॉर एमएड स्टूडेंट्स। नो, फॉर एमएड स्टूडेंट्स अभी कोई चैनल नहीं है, टीचर एजुकेशन के चैनल पर हम लोग प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक और जानकारी दे दूं कि एनसीटी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है प्रोवाइडिंग ओईआर फॉर टीचर एजुकेशन, और मैं जानता हूं कई यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी एमएड स्टूडेंट्स के लिए ओईआर के फॉर्म में वीडियो कंटेंट डेवलप कर रही है, तो बहुत जल्दी वो वीडियो कंटेंट एनसीटीई की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, वो पोर्टल भी अवेलेबल है, आप जाकर देखिए, वहां कुछ कंटेंट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, सो यू कैन यूटिलाइज दैट कंटेंट, दैट इज वेरी गुड कंटेंट, मेनी फैकल्टीज आर डेवलपिंग फॉर दैट। सो विद दिस आई थैंक यू वंस अगेन विद अ रिक्वेस्ट दैट मोटिवेट योर लर्नर्स, मोटिवेट योर सेल्फ टू एक्सप्लोर ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल, टू एक्सप्लोर वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स। मेरे चारों तरफ आप ये जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट एमएचआरडी के इनिशिएटिव्स हैं, आपके लिए जो उपयोगी है आप उसको एक्सप्लोर करिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, ढूंढिए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि फ्यूचर ऑनलाइन एजुकेशन का है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 1 घंटे से अधिक समय दिया, ध्यान से सुना, और यदि मेरी बातों में आपको कुछ भी 5-10% अपने काम का लगा हो तो आप उसे अपने साथ ले जाएं, उसका उपयोग करें, क्योंकि जब तक आप इनिशिएटिव का उपयोग नहीं करेंगे तब तक मेरी चर्चा का बहुत अधिक अर्थ रह नहीं जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, आप सभी सुरक्षित रहें, आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, नियमों का पालन करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।